हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम भूपेंद्र है। यूट्यूब के हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको कराऊंगा पजल का पार्ट वन, और इसको मैंने नाम दिया है पजल का बाप। देखिए, इससे अलग पजल आपको नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी वो गारंटी है। आप एग्जाम देने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में जो मैं पजल कराऊंगा उनमें से पजल ना आए तो। देखिए, हमारा पार्ट वन है और इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, और आप इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वे क्या था करने का। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे किसी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मैं मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू। और देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। उससे पहले देखिए, मैं क्वेश्चन दिया हूँ आपको, आप ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना था। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, खुद से सॉल्व किया होगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना था। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको कीवर्ड देना चाहूँगा कि आपको जो क्वेश्चन होता है उसको स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें है कि सेवन कंपनी है, विच डी ई एफ एन जी, और सेवन पैनल है, फर्स्ट सेवन तक पैनल बैठे हुए हैं, उसके बाद सेवन पर्सन है, हरी, समीर, नीले, शैलजा, निकिता और लक्ष्मण और सुजाता। उसके बाद देखिए, हमको ये समझना है कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट करने का इन द सेंस कि देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उनका अपना अपना अलग मेथड होता है। मैं देखिए स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले क्या करें कि हम यहाँ पे पैनल का नाम लिख लें, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा क्वेश्चन रिलेवेंट कनेक्ट हो रहा है वो पैनल से हो रहा है। तो आप पैनल का नाम वो वर्ड लिखें जिससे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा हो, क्योंकि उससे हमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कि यहाँ पे मैं बात करूं तो ये आपका पैनल हो गया, यहाँ पे पर्सन हो गए, और ये यहाँ पे आपका हो गया कंपनी। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में इसलिए लिया है क्योंकि मोस्टली बच्चे थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज को समझने में, इसलिए मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में लिया है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन चाहिए और हिंदी में भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं दोनों को ही मर्ज कर दिया करूंगा। और क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है तो आरआरबी में हिंदी वाले स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं ये आपका हिंदी में लिया हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमको पहले क्या करना है क्वेश्चन में, कि सबसे पहले हमको जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको फिल करना होता है। आपके पास जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप पहले डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को लिखें, उसके बाद आप कोई जो हिडन स्टेटमेंट होती है उसको करें। अब देखिए, डायरेक्ट में क्या है, उसमें बोला नीलेश का कंपनी फोल्ड लेती है ए के लिए, तो हमें पता चल गया कि नीलेश का जो इंटरव्यू है वो कंपनी ए के लिए है फोर्थ के द्वारा। उसके बाद बोला है कि समीर का पैनल थर्ड लेता है, समीर का जो इंटरव्यू है वो पैनल थर्ड के लिए है, लेकिन सी एंड डी के लिए नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे आगे कि सी एंड डी के लिए नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि वो एक फॉर्मूला होता था ना कि पहले आप पर्सन लिख लो, फिर नीचे जैसे एक पर्सन लिख लेते थे हम, यहाँ पे नीचे लिख लिया हमने पैनल, उसके बाद फिल करते थे, टिक लगाते थे, वो ओल्ड मेथड है। उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ना करें क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, तो आप उससे क्वेश्चन ना करें। ये वाला मेथड आप याद रखें। देखिए, सी एंड डी के लिए बोल दिया कि सी एंड डी के लिए समीर का नहीं हो रहा है, तो हमें कन्फर्म हो गया कि सी एंड डी हमारा यहाँ नहीं होगा। उसके बाद बोला है कि हरीश का जो है इंटरव्यू, हरीश का इंटरव्यू बी कंपनी के लिए होता है, लेकिन आगे बोला है कि फर्स्ट और जो सेकंड है, ये फर्स्ट और जो सेकंड पैनल है, ये हरीश का इंटरव्यू नहीं लेंगी। तो हम यहां लिख देंगे, हरीश को क्रॉस कर देंगे कि हरीश का इंटरव्यू ये कंपनियां नहीं लेंगी। अब हमें पता चल गया कि हरीश यहां कहीं पे भी नहीं आएगा। उसके बाद उसने बोला है कि जो कंपनी ई के लिए निकिता का लिया जाता है सिक्स के द्वारा, तो हमें पता चल गया निकिता का जो इंटरव्यू हो रहा है, निकिता का इंटरव्यू हो रहा है किसके लिए, ई कंपनी के लिए, और किसके द्वारा, सिक्स के द्वारा। उसके बाद आगे बोला है कि एफ के लिए सेवन के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, और एफ के लिए सेवन के द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब देखिए, ये जो हमने कीवर्ड था हमारा, अब इसको हम कीवर्ड को फिल कर सकते हैं कैसे। देखिए,
हरी सियानी होगा, हरी सियानी होगा, हरी सियानी आ सकता क्यों, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी एफ आया हुआ है, तो हमारा कहां आएगा हरी से, हरी से हमारा यहां पे आ गया। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि आगे बोला है उसने कि सेलजा का फर्स्ट के लिए होता है, सेलजा का जो इंटरव्यू है वो फर्स्ट के लिए है, लेकिन कंपनी सी के लिए नहीं है, तो हम सी को क्रॉस मार देंगे यहां पे, सी के लिए नहीं है। उसके बाद उसने आगे बोला है कि सेकंड जो पैनल है वो लक्ष्मण का इंटरव्यू नहीं लेता है, तो यहाँ लक्ष्मण नहीं होगा, तो एक ही जगह बचती है ना लक्ष्मण की, लक्ष्मण हमारा कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। अब देखिए लक्ष्मण हमारे यहां पे हो गया, एक बंदा बचा, कौन बचा, सुजाता, तो सुजाता हमारा यहां पे आ गया। अब देखिए हम बंदों को फिल करने के लिए हमारे पास तीन स्पेस आ गए। पहले स्पेस में क्या बोल रहा है, पहले वाले में बोल रहा है कि सी एन डी यहां नहीं होंगे और सी हमारा यहां पे भी नहीं होगा, तो सी की जगह कौन सी बची, एक ही बची। अब देखिए डी यहां हो नहीं सकता, डी हमारा यहां पे रहा। अब हमारा बंदा कौन बचा, हमारा बंदा बचा जी, जी हो गया। देखिए ये तरीके से आप सॉल्व कीजिए, ये पजल का पार्ट वन का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप वो क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या था, बेस्ट वे क्या था। देखिए स्टूडेंट्स अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है, आप थोड़ा सा सेम है पहले वाले से, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको भी कैसे सॉल्व किया जाना था। ये पार्ट वन है इसलिए मैंने थोड़ा सा लेवल इजी लिया है, ज्यादा थोड़ा इजी, ज्यादा इजी नहीं है, क्लर्क वाले से थोड़ा टफ है। क्लर्क वाले में आपका जो टू वेरिएबल्स होते हैं वो नहीं आते हैं, इसमें टू वेरिएबल्स तक के क्वेश्चन है, के बाद में थोड़ा सा टफ लूंगा। अभी इसमें क्या आपको इंडिकेशन मिला हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में जो मैं लूंगा उसमें इंडिकेशन नहीं होगा आपको, और हो सकता है थ्री वेरिएबल्स हो, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए सेम प्रोसेस रहेगा पहले वाला। अब इसमें क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, देखिए हम पर्सन से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, ये सेवन पर्सन है और ये सेवन स्टेट है, एमपी यूपी बिहार केरल तमिलनाडु उड़ीसा महाराष्ट्र, इनके लिए सात खेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें हॉकी शतरंज क्रिकेट बैडमिंटन टेबल टेनिस गोल्फ और बिलियर्ड्स। अब देखिए इसमें आप एक चीज देखिए कि ज्यादातर जो पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं वो पर्सन से कनेक्ट हो रहा है, सिटी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, पर्सन से डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, तो हम पहले पर्सन को लिखेंगे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें मोस्टली जो था वो कनेक्ट हो रहा था डायरेक्ट आपका पैनल से, पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहा था, पर्सन पैनल से कनेक्ट हो रहे थे वहां पे। तो देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, ये सेवन पर्सन है। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये आपके ये आप पर्सन हो गए आपके, ये इनके जहां ही जा रहे हैं स्टेट हो गया और ये इनका गेम हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे सेम पहले वाले की तरह रहेगा कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है किसी ना किसी का, तो पहले आप कोशिश करें कि आपका जो डायरेक्ट लिंक है वो डायरेक्ट लिंक क्या है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट लिंक की, तो डायरेक्ट लिंक किसका है, वो बोल रहे हैं कि डी खेलता है कहाँ के लिए, केरल के लिए, क्या खेलता है, शतरंज। उसके बाद बोल रहा है ई खेलता है गोल्फ, ई गोल्फ खेलता है, लिख दिया ए गोल्फ खेलता है, बट उसने लिखा है कि महाराष्ट्र और यूपी के लिए नहीं, तो हम महाराष्ट्र और यूपी के लिए नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे पहले वाले की तरह इसको क्रॉस मार्क कर देंगे, महाराष्ट्र और यूपी के लिए वो नहीं खेलेगा, इन्हें महाराष्ट्र, यहाँ पे हमें इसका स्टेटमेंट मिल गया कि महाराष्ट्र और यूपी के लिए नहीं खेलेगा लेकिन गोल्फ खेलेगा। उसके बाद कह रहा है ए बैडमिंटन खेलेगा, ये आपका बैडमिंटन खेलेगा, इसके लिए ये बैडमिंटन खेलेगा एमपी के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए खेल रहा है वो। देखिए मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं वीडियो में बताता हूं तो आप थोड़ा जूम कर लिया करें, जो मैं बोल रहा हूं वही आप मान के चला करें। उसके बाद उसने आगे बोला है सी खेलता है उड़ीसा के लिए, सी खेलेगा आपका उड़ीसा के लिए,
बट सी उड़ीसा के लिए खेलता है, ना तो वो क्रिकेट खेलता है ना ही टेबल टेनिस खेलता है, ना तो वो क्रिकेट खेलेगा ना ही टेबल टेनिस खेलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट का दिया हुआ है कि बिहार के लिए जो बंदा खेलेगा वो टेबल टेनिस खेलेगा, तो हमें नहीं पता, हम यहां लिख लेते हैं कहीं पे कि देखिए बिहार के लिए जो बंदा खेलेगा वो टेबल टेनिस खेलेगा, टेबल टेनिस को टीटी से मार्क कर लेते हैं, टेबल टेनिस खेलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हॉकी यूपी के लिए खेला जाएगा, हॉकी जो खेला जाएगा वो यूपी के लिए खेला जाएगा। अभी हमारे दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, हमें नहीं पता कौन सा बंदा कहाँ पे है, ठीक है। अब आगे उसने बोला है कि एफ महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेलेगा, एफ खेलेगा महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट। और फिर उसने बोला है कि जी बिहार के लिए नहीं खेलेगा। अब आप एक चीज देखिए, जी बिहार के लिए नहीं खेलेगा, दो ऑप्शन बचे हमारे पास, बिहार या तो यहां होगा या यहां होगा, ठीक है, यूपी या तो यहां होगा या यहां होगा। अभी हमें नहीं पता कहां पे हो कौन सा होगा, लेकिन उसने बोल दिया कि बिहार आपका कहां नहीं होगा, बिहार आपका यहां नहीं होगा, जी बिहार के लिए नहीं खेलेगा, तो बिहार के लिए कौन खेलेगा, बी खेलेगा, बिहार आपका यहां आ गया, बिहार के लिए बिहार क्या खेल रहा है, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस हो गया। उसके बाद यूपी आपका यहां आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, हमने उत्तर प्रदेश को यूपी लिखा है, यूपी यहां आ जाएगा और क्या खेलेगा, हॉकी। और अब आपका देखिए गेम कौन सा बचा, आपका गेम जो बचता है, आपका गेम बचता है बिलियर्ड्स, आपका बिलियर्ड्स यहां आ गया। अब देखिए एक स्टेट आपका बचा, एक स्टेट कौन सा बचा, तमिलनाडु। देखिए इस तरह आपको सॉल्व करना था, कितना इजी मेथड है सॉल्व करने का, ये हमारा पजल का पार्ट बनता। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 लेके आऊंगा। देखिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।